फ्रेंड कोरल की के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग फैक्टर्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इसे बहुत सारा फैक्टर्स देखा, पर एक फैक्टर्स ऐसा है जो बहुत ही यूज़फुल है और उसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, और वो है शैडर फैक्टर। क्योंकि इसमें दो तरह का टू वे काम हो सकता है। एक तो हम लोग कोई इमेज के ऊपर काम कर सकते हैं या कोई एनिमेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, और सिंपल जो इफेक्टर्स का जो बेसिक ऑप्शन होता है जैसे स्केल, रोटेशन और पोजीशन को मूवमेंट करना, वो भी आसानी से कर सकते हैं विथ फॉल ऑफ एनिमेशन के साथ। तो आइए इसको एक एग्जांपल देखते हैं कि इसे हम लोग क्रिएट क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा सेटअप क्रिएट करते हैं और हम लोग ये क्यूब लेते हैं और क्यूब का साइज हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं, 7x7x7। ओके, तो ये हमारा क्यूब है। इसे मैं एडिटेबल बना लेता हूँ और इसका एंकर पॉइंट मैं नीचे करता हूँ लाइक इस तरह से। ठीक है, और एक प्लेन लेते हैं दोस्तों और प्लेन का ये देखते हैं। हमारा जो सेगमेंट है उस सेगमेंट को थोड़ा कम करना होगा जिससे कि ये क्यूब इस प्लेन को फिल कर पाए। तो लाइक मैं इस तरह से थोड़ा हाई करता हूँ, ऑलमोस्ट 50, आई थिंक 50 सही होगा, 50x50 लेते हैं। सेगमेंट थोड़ा हाई रखना ज़रूरी है जिससे कि ये प्लेन फिल हो जाए। और क्लोनर लेता हूँ, एक क्लोनर। ओके, और इस क्लोनर को मैं ऑब्जेक्ट दे देता हूँ एज ए प्लेन। तो ये डिफ़ॉल्ट में ये वर्टेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इसका सेलेक्टेड है जिससे कि ये सारे एरिया को कवर कर लेता है। तो इसमें और भी बहुत सारा ऑप्शन है, पर वर्टेक्स का ही अभी फ़िलहाल एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे जो करना है उसके लिए ये सही है। तो ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग शेडर इफेक्टर लेते हैं। तो क्लोन को सेलेक्ट करते हैं और शेडर पर क्लिक करते हैं तो क्लोन के अंदर ये ऑटोमेटिक शेडर आ जाता है। ओके, तो शेडर में अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो डिफ़ॉल्ट ये स्केल टिक किया हुआ है, 0.5 इसका वैल्यू दिया हुआ है। अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो ये नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। ठीक है, उस तरह से इसका पोजीशन भी, अगर मैं इसका पोजीशन को मॉडिफाई करता हूँ तो ये पोजीशन अपने हिसाब से मूव करता है, और स्केल में भी उसी तरह से है कि मैं इसे अपने हिसाब से जितना चाहूँ उतना कर लूँ, और रोटेशन भी उसी तरह से है। जो कि अदर्स, हम लोग अदर्स पैरामीटर देखते हैं अदर्स इफेक्टर्स का, तो ऑलमोस्ट सेम है। और फॉलोअप में भी हम लोग देखें तो कुछ ऐसा ही ऑप्शन हम लोगों को मिलेगा। लाइक मैं लीनियर लेता हूँ तो लीनियर को अपने हिसाब से मूव कर लेता हूँ, और ये फॉलोअप ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। तो एक्चुअली दोस्तों चीज़ क्या है ना कि ये तो नॉर्मल जो सारे में है वो इसमें भी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वो है शेडिंग। एक एक्स्ट्रा जो है वो शेडिंग ही है कि इसका यूटिलिटी थोड़ा ज़्यादा है इस वजह से, क्योंकि इस शेडिंग में हम लोग को बहुत कुछ करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट में रहता हूँ और जस्ट शेडिंग देखता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कस्टम शेडर, और इसे खोलता हूँ तो इसमें देखता हूँ कि इसके अंदर कलर, इल्यूमिनेंस, ट्रांसपेरेंसी, ब्राइट, बम्प, अल्फा, मतलब ये सारा वो ऑप्शन है जो एक मटेरियल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कलर, डिफ्यूज, ल्यूमिनेंस, ट्रांसपेरेंसी, रिफ्लेक्शन, ये बम्प, अल्फा, ये सारा वो ऑप्शन यहाँ दिखता है जो जनरली एक मटेरियल के ऊपर पाया जाता है। ओके, तो इसका सीधा इसके साथ लिंक है कि अगर किसी मटेरियल के ऊपर मैं कलर अप्लाई करता हूँ जो कि कुछ अलग टेक्सचर देता है या कुछ अलग एनिमेशन देता है, तो शेडिंग में मुझे कलर ले लेना होता है जिससे कि ये
ये कलर टू कलर चैनल को आइडेंटिफाई करता है। और अगर किसी मटेरियल में ल्यूमिनेंस पे अप्लाई करता हूँ, कोई भी एनिमेशन या कोई भी टेक्सचर, तो मुझे यहाँ पे अगर उसमें इफ़ेक्ट लाना हो तो मुझे ये ल्यूमिनेंस चैनल्स के ऊपर ही काम करना होता है। जैसे कि अगर मैं कलर लेता हूँ और मैं कलर के ऊपर एक इफेक्ट डालता हूँ, लाइक सॉरी इमेज लिया, हाँ ये एक हमारा एक छोटा सा एनिमेशन है। वो एनिमेशन क्या है, वो इस तरह का एक वीडियो प्ले हो रहा है, ओके। और इसे मैं अप्लाई करता हूँ कलर चैनल के ऊपर, ये कलर चैनल के ऊपर इस एनिमेशन में गया, कैलकुलेट किया 138 फ्रेम रेट 30, ओके। रिफ्लेक्शन ज़रूरत नहीं, इसको ऑफ करते हैं। तो मैं सिर्फ कलर चैनल में एक कलर लिया हूँ, ओके। और इसे मैं अप्लाई करता हूँ प्लेन के ऊपर, ओके। अगर मैं क्लोनर को थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि हमारा प्लेनर के ऊपर, तो ये हमारे प्लेन के ऊपर आ गया। अब ये क्लोन को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। और शेडर में मैंने क्या बोला था कि मैं यहाँ जब कलर लेता हूँ, चूँकि यहाँ पर मैंने कलर चैनल में अप्लाई किया हूँ कुछ एनिमेशन या कोई भी चीज़, तो मैं शेडर में जाकर ये कलर चैनल के अंदर इसका टेक्सचर टैग देता हूँ। ये हमारा जो मैंने प्लेन के ऊपर दिया और टेक्सचर टैग खोज रहा है, और ये टेक्सचर इसको यहाँ दे देते हैं, ओके दोस्तों। तो चूँकि मैं इस पे एनिमेशन दे चुका हूँ, इसलिए मुझे फॉल ऑफ को बंद करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा ये एनिमेशन इस पे आ चुका है। तो ये एक बार प्ले होने के बाद ये ऑटोमेटिक आई थिंक कि फिर स्मूथ प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी एक फ्रेम में हाई ले लेता हूँ, ओके। तो अप्लाई करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग का एनिमेशन ये अपने हिसाब से ले रहा है। मतलब कि मैं इसे अगर 3D में एक्सट्रूड रूप में लेना चाहूँ तो मैं शेडर इफेक्ट का यूज़ करके मैं इस तरह से इसका यूज़ कर पाऊँगा। तो ये एक बहुत ही कूल इफेक्ट है, कूल टेक्निक है। इससे आप ओपनर भी बना सकते हैं, बहुत सारा कुछ बना सकते हैं। ये तो एनिमेशन का एक ज़रिया है, एक ट्रिक है। आप अलग तरह का एनिमेशन बना के उसको 3D रूप में ढाल सकते हैं, ओके। और लगे तो एक दूसरा भी देख लेता हूँ दोस्तों, कि अगर मैं शेडर में मैं एक कोई चैनल अप्लाई नहीं करता हूँ, जस्ट कस्टम शेडर में रहता हूँ, तो कस्टम शेडर में मुझे क्या क्या ऑप्शन मिल जाती है। सारा मैं बहुत सारा कुछ तो वर्कलेस है, पर जो हम लोग कर सकते हैं दैट इज़ समथिंग नॉइस, नॉइस के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। कि अगर हम लोग नॉइस सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो पैरामीटर है वो है हाइट जेड स्केल, तो ये जितना हाई कर देंगे इफेक्ट उतना ही ज़्यादा दिखेगा। अगर मैं इसे 30 कर दूँ तो ये 30 है, ठीक है। तो पैरामीटर शेडिंग में जाते हैं और हम लोग के पास ये नॉइज़ है। तो नॉइज़ में बहुत सारा है, ठीक है, हेमा है, क्या क्या है, आप यहाँ से ले सकते हो। और इसमें हमारा एनिमेशन भी है, प्रीसेट्स किया हुआ एनिमेशन है। इसको स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं, लाइक समथिंग दिस, तो इसमें ऑटोमेटिक एक एनिमेशन आ जाता है। और इसके साथ आप कस्टम के साथ साथ बहुत सारा कुछ कर सकेंगे। तो नॉइस भी अप्लाई कर सकते हैं, और देर आर लॉट्स ऑफ थिंग दोस्तों, आप इसमें बहुत सारा कुछ यूज़ कर सकेंगे, ओके।